बता क्या हुआ? बताओ भाई, क्या परेशानी है? बोल भी नहीं आऊ। बताओ क्या परेशानी है, कितना पैसा लगा दिया? अरे भी जो कात के घर वाली की तबीयत खराब है, कादू की बात कर, बता दे इतना इतना पैसा लगा दिया है। तो घर वाली तेरी है तो बोल लेगा तू, मैं बोलता हूँ अच्छा लगूंगा। अनपढ़ आदमी है तो गलती में बोल जाता है। अनपढ़ नहीं है तू, 2-3 लाख रुपए कमाता महीने के, ठीक है? अनपढ़ पढ़े लिखे आदमी नहीं कमाते। बोल दे तेरी घरवाली, इसकी जो घरवाली है ना उसको मतलब काफी टाइम हो गया बीमार चल रही है, बीमार वाला, टोपी वाला। और ये जो है ये मानता नहीं है, दवाई नहीं करवाता, इसको कुंगरा मारा दो। उसका एक मतलब एक ऑपरेशन होना है, जिसकी जो अपनी मतलब मेरी मम्मी का जो ऑपरेशन हुआ था ना, वो ऑपरेशन इसकी घरवाली का होना है, मगर ये बेवकूफ़ी कर रहा है। मैंने इसको 70 से 80 बार समझा लिया है कि भाई तू लेके चला जाए एक बार हॉस्पिटल में जाके इलाज वगैरह करवा, मगर ये मानता तो है नहीं किसी की। ये इधर लेके जाता है, आज भी कम से कम 7,000 की दवाई दिला के लाया है उसको, और अल्ट्रासाउंड और वो फालतू के झंझट अलग हैं। तो ये वैसे पैसे फूक रहा है, कोई मतलब नहीं है उनका, इसके पास में मतलब दुनिया भर की सरकार ने इसको वो दे रखी है रियायत, मगर ये बंदा क्या है कि उनका इस्तेमाल नहीं करता। मैंने इसको समझाया है कि वो जो आयुष्मान कार्ड है वो लेके हॉस्पिटल में जा, और उधर तेरा एक भी पैसा नहीं लगना, और डॉक्टर भी मतलब जयपुर से आएंगे, मतलब इधर के जो डॉक्टर है ना वो कामयाब नहीं है। जिसको मतलब आरती ने मतलब जो आरती के सर में दर्द हो रहा था ना, जिसको इंजेक्शन लगाया था, मतलब जिस डॉक्टर ने, उसी हॉस्पिटल में ये लेके गया है, और वो जो हाई डोज का इंजेक्शन था उसकी वजह से मतलब इतनी वो हो गई उसके सर में टेंशन कि उसके दिमाग की नस फट गई और वो ब्रेन हेमरेज वाली शिकायत हो गई। और ये जो है ये आज उधर ही जाके आया है, तो मैं इसको समझा रहा हूँ कि भाई तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी देखभाल तेरे को ही करनी है, तो इस वजह से तू एक बार ढंग के हॉस्पिटल में लेके जा, और 2-2.5 महीने लगेंगे तेरे को, 2-2.5 महीने से ज़्यादा इधर हो गया है उसको तकलीफ में, मगर ये मानता तो है नहीं किसी की। और आप कमेंट करके बताना, मैं इसको बताऊंगा कि ये कितनी सीरियस प्रॉब्लम है और तेरे को दिखाना चाहिए। सुन गई तने? सुन गई। तो अब क्या करना है तेरे को? यहाँ आप बताओ ते जाने। तो मैं तो तेरे को कितने दिनों से बता रहा हूँ, पहले चला जाता तो इतने दिनों में। तू बता बिहारी, हमारे यहाँ पे देखो क्या करना चाहिए, कितना बड़ा है भाई की बात मानना का नहीं। उस दिन वो उधर तेरे को वो आए थे, तब मैं आया था ना साथ में, उधर वो तेरे मिस्त्री वगैरह भगा दिए थे, तब मैं आया था ना साथ में। तो अब मैं तेरे को कोई गलत सलाह थोड़ी दूंगा। सही सलाह है। हाँ तो फिर तेरे को जाना चाहिए एक बार ढंग के हॉस्पिटल में लेके जा, और वो तेरे मतलब जो भी रिपोर्ट है ना वो तेरे को निकाल के देंगे। समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही सेठ जी, समझ में आ रही। हाँ तो फिर वो लेके जाएगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल। कब लेके जाएगा? 5 दिन की दवाई दी उनने। तू मेरे को तो बता रहा 2 दिन की दवाई दी, 3 दिन? 5 दिन की। और 5 दिन में बाई चांस मतलब ऊपर नीचे कुछ हो जाता है तो भाभी जी उन्हें कोई दोबारा लेके जाना पड़े, वो जेकी दवाई खान लाग रहे। अरे वो तो बेवकूफ है जिसके पास तू लेके जा रहा है, वो तो बेवकूफ है, मैं बता देता हूँ तेरे को। अभी 7,000 को भरपाई तो करनी पड़ेगी, 7 के बजाय तेरे 2-2.5 लाख रुपए लग जाए वो अच्छे हैं, या फिर वो 7,000 चले गए वो अच्छे हैं? मतलब के अपना सस्ते में काम हो जाए। सस्ते में तो ये होगा, तू आयुष्मान कार्ड लेके जा और उधर जाके दिखा दे, कुछ भी नहीं लगना तेरा, तेरा बस जाने का जो पेट्रोल है ना वो लगेगा, ले जा और सही हो जाएगी वो, समझ गया? अब टाटा बोल दे। भाई हमारे यहाँ पे देखो, पहले सूरज जी कितना बड़ा है, अभी दिन छिपा नहीं है।